मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बेटा अच्छे से पढ़ाई करना है आपको, है ना, बोल बोल कर लिखना है। हम पेज नंबर 23 पढ़ रहे हैं, है ना, पेज नंबर 23। ठीक है, लिखना और बोलना सीख रहे हैं, किस प्रकार कॉपी में लिखना चाहिए हम सीख रहे हैं। बेटा आपको अब पढ़ना है, है ना, तो अब किस प्रकार पढ़ेंगे मिस बताएगी आपको। आप इस प्रकार पढ़ना है, लपक लपक कारा कर माता मत पकड़ पकड़। समझ में आया? और इसको कैसे हम लिखेंगे देखकर, देखो पहले ला लिखेंगे, ला पा और क लपक देखकर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, कारा कर। कारा कर, कारा कर, माता मत, माता मत, माता मत पकड़ पकड़, पा का और ड। समझ में आया बेटा? हमने जिस प्रकार यहाँ लिखा है उसको यहाँ पर देखकर लिखा है, समझ में आया? जैसे ला पाक लपक, ऊपर भी लपक लिखा है, कारा कर हमने नीचे कारा कर देखकर उसी प्रकार लिखा है ना, माता मत, माता मत, पकड़ पकड़। समझ में आया बेटा? अच्छे से लिखना है, बोल बोल कर लिखना है, समझ में आया? और अपन को देखकर पढ़ना भी है, समझ में आया ना। अब हम ये वाले हैं, गरज गरज माता मत, गरज मत। समझ में आया ना बेटा? तो हमको कैसे लिखना है, सबसे पहले लाइन खींचा हमने, फिर हम देखकर लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा गा, हमने गा लिखा, फिर रा, रा लिखा और जा लिखा। अब इन किस प्रकार हम मिलाकर पढ़ेंगे, गा रा ज गरज मा ता मत, लाइन खींचा फिर हम लिखेंगे मा, नीचे उसी प्रकार लिखेंगे हम दूसरी लाइन पर, और ता माता मत, है ना, माता मत। और जैसे यहाँ पूर्ण विराम है हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, गा, बोलिए आप में इसके साथ, रा और ज गरज, ठीक है, माता मत, माता मत। समझ में आया? अब हम नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे, सबसे पहले आ, आ लिखेंगे, फिर जा लिखेंगे और या, अजय। अब हम कैसे पढ़ेंगे, आ जाय अजय, यहाँ भी पढ़े आ जाय अजय। क्या है ये, क्या लिखा है, आय नक आयनक, आयनक बोलो, आय नक आयनक। हम उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे आयनक, आय ना, ना बनाओ और क आयनक, फिर पहन, पहन मिलाकर पढ़ना भी है ना, पहन पहन, यहाँ पर भी हम लिखेंगे पा हा और न पहन। कारा कर, बोलो बेटा किधर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर कौन सा अक्षर, का लिखो और फिर रा लिखना है, कर। अब पढ़े आओ, कारा कर, समझ में आए, भा जाने भजन। अब लिखना कहाँ पर है हमको देखकर, इस लाइन पे देखो, भा लिखेंगे सबसे पहले, फिर जा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जा, फिर ना लिखेंगे, ठीक है ना। अब किस प्रकार पढ़ेंगे, भा बोलो, जा और ना, ना कहाँ है ये, भजन, है ना। अब कारा कर, कहाँ लिखे,
लिखेंगे यहां पर क र कर, फिर पूर्ण विराम है तो हमको यहां पर पूर्ण लगाना है ना, क्योंकि हम देखकर लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं ना। तो अब हम किस प्रकार पढ़ेंगे, एक और बार पढ़े, ला पाक लपक का और रा कर, बोलो आप का रा कर, मा ता मत, मा ता मत है ना, पकड़ पकड़। समझ में आया बेटा, आपको बोलना भी है और लिखना भी है और सुनाना भी है मम्मी को पढ़कर, है ना। समझ में, तो जैसे ऊपर जो लिखा था हमने नीचे कॉपी करा है, उसी को देख कर लिखा है ना। तो हम एक और बार पढ़े, ला बोलो पक लपक, समझ में आया, करा कर, मा ता मत, बोलो पकड़ पकड़ है ना, पकड़। अब इधर अपन ने जैसा पूर्ण विराम था हमने लगा दिया, गरज गरज, बोलो आप भी, मा और ता मत, माता मत, पूर्ण विराम है ना। तो इसको इस प्रकार इधर ही अपन दूसरी लाइन में अपन ने लिखा है, बोलो ग राज गरज है ना, माता मत, माता मत, और पूर्ण विराम लगाया। बेटा अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना, ठीक है। अब ये वाली लाइन पढ़े अपन, आ जा ये अजय, आए ना क आयनक, पा हा न पहन, का रा कर, भा बोलो जा न भजन है ना, का और रा कर, पूर्ण विराम है ना। फिर यहाँ पर भी लिखे पढ़ेंगे हम, आ जा ये अजय, आई ना क आयनक, पा हा न पहन, का रा कर, भा जा न भजन, कारा कर। बेटा आपको समझ में आया किस प्रकार पढ़ते हैं और कैसे देखकर लिखते हैं। बेटा आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और आपको अनार से ज्ञानी तक बार बार लिखकर पढ़ना भी है, याद भी करना है, और आपको बिना देखकर लिखना आना चाहिए बेटा, है ना। दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द मिलाकर कैसे पढ़ना है, लिखना है ना, तो आपको सीखना है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से कॉपी पे लिखना है, पेंसिल से लिखना है, ठीक है। ओके बेटा, बाय।